प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर टू का लेक्चर नंबर टू। और चैप्टर नंबर टू का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या फिर इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और चैप्टर नंबर टू का आज हम लेक्चर नंबर टू स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो डिस्कवरी थी, डिस्कवरी ऑफ बेसिकली कैथोड रेज, ये सर विलियम क्रूक्स ने की थी इन 1895 में। सर विलियम क्रूक्स ने कैथोड रेज डिस्कवर की थी। और इस एक्सपेरिमेंट को हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि सर विलियम क्रूक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज की थी। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? ये ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है, ये ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है, जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। इसके अलावा हम डिस्चार्ज ट्यूब उस ट्यूब को भी कहते हैं जिसमें प्रेशर वेरी लो होता है, वेरी लो प्रेशर जिसमें होता है उसको भी हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रही है ट्यूब, ये जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब उसने यूज की थी। और इस ट्यूब के अंदर उसने प्रेशर बहुत ही कम किया था, वेरी लो प्रेशर रखा था। कितना था वो? 10^-4 atm, यानी इतना लो प्रेशर इसने इस ट्यूब के अंदर यूज किया था। और ये प्रेशर इसने इतना लो कैसे किया था? ट्यूब के अंदर बेसिकली प्रेशर किसका होता है? एयर का प्रेशर होता है। यानी ट्यूब के अंदर जितनी ज्यादा एयर होगी, उतना ज्यादा प्रेशर होगा, तो उस एयर को उसने वहां से रिमूव कर दिया था। जब एयर को रिमूव करेंगे तो प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। और एयर को उसने कैसे रिमूव किया था? विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप के जरिए उसने एयर को यहां से रिमूव किया था। वैक्यूम के मीनिंग, वैक्यूम का तो वर्ड है ये वैक्स से निकला, और वैक्स के मीनिंग होता है एम्प्टी स्पेस। यानी इस ट्यूब के अंदर उसने एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर दी। जब एम्प्टी स्पेस क्रिएट करेंगे तो प्रेशर जो है वो वेरी लो हो जाएगा। उसके अलावा उसने इस ट्यूब के अंदर टू मेटालिक इलेक्ट्रोड यूज किए, यानी टू उसने मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड यूज किए। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं मेटल प्लेट्स हैविंग चार्ज, यानी ये मेटल की बनी हुई प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं। तो टू इसने यहाँ पे मेटालिक इलेक्ट्रोड यूज किए थे, टू मेटालिक इलेक्ट्रोड, एक यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे लगाया डिस्चार्ज ट्यूब में। और इसके अलावा इसने गैसेस यूज किए, डिफरेंट गैसेस ली इसने, डिफरेंट गैसेस के साथ इसने एक्सपेरिमेंट किया। इसने हाइड्रोजन गैस भी यूज की, हीलियम गैस भी, और नियॉन गैस। ये गैसेस उसने वन बाय वन करके यूज की इस ट्यूब के अंदर। उसके अलावा ये जो टू इलेक्ट्रोड थे, इन टू इलेक्ट्रोड को उसने वायर्स के थ्रू कनेक्ट किया विद ईच अदर, यानी वायर्स के जरिए उसने टू इलेक्ट्रोड से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। और वायर्स को उसने कनेक्ट किया था हाई वोल्टेज बैटरी, यानी हाई वोल्टेज बैटरी के साथ उसने वायर को कनेक्ट किया। वेरी हाई वोल्टेज उसने यहाँ पे यूज किया था, वो कितना था? वो 5000-10000 volts, यानी इतना ज्यादा वोल्ट का उसने करंट यूज किया था। वोल्टेज कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, यानी इतनी ज्यादा वोल्ट का उसने यहाँ पे करंट, यानी इलेक्ट्रिक पावर यूज की थी। और जब उसने इस बैटरी को ऑन किया, या फिर जब उसने हाई वोल्टेज करंट पास करवाया इस गैस में से, व्हेन हाई वोल्टेज करंट वाज पास्ड थ्रू द गैस, शाइनी रेज वर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड व्हिच ट्रैवल्ड टुवर्ड्स द एनोड एज शोन इन फिगर। यानी जब उसने हाई वोल्टेज का करंट यहाँ पे अप्लाई किया, प्रोवाइड किया, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि कैथोड में से शाइनीज रेज एमिट हो रही हैं। और वो जो शाइनीज रेज एमिट हो रही थी, उन रेज को उसने कैथोड रेज का नेम दिया, क्योंकि वो कैथोड प्लेट में से एमिट हो रही थी, इसलिए उसने उन शाइनीज रेज को कैथोड रेज का नेम दिया। यूं जो है वो उसने कैथोड रेज की डिस्कवरी की। और एक इलेक्ट्रोड को उसने यहाँ पे कैथोड का नेम दिया था, और एक इलेक्ट्रोड को उसने एनोड का नेम दिया था। कैथोड के ऊपर नेगेटिव था और एनोड के ऊपर पॉजिटिव था। कैथोड पे नेगेटिव इसलिए था क्योंकि उसने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कैथोड के साथ अटैच किया था, और एनोड पे पॉजिटिव था क्योंकि उसने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड के साथ अटैच किया था, इसलिए एनोड के ऊपर पॉजिटिव था। उसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज है उनकी हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो कैथोड रेज होती हैं, दीज रेज आर ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये रेज हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी। उसने जो ऑब्जर्व किया था कि ये रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, परपेंडिकुलर टू कैथोड सर्फेस, और वो कैथोड सर्फेस के परपेंडिकुलर है। यानी अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम कहते हैं कि वो परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री का एंगल बना रही थी कैथोड सरफेस के साथ। सेकंड प्रॉपर्टी है
कास्ट शैडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट, ये जो रेज होती है ओपैक ऑब्जेक्ट का शैडो बनाती है। अगर ओपैक ऑब्जेक्ट हम इनके रास्ते में रखते हैं तो ओपैक ऑब्जेक्ट का हमें शैडो नजर आएगा ऑन एनोड। ओपैक ऑब्जेक्ट वो होता है जो नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट यानी जिसके आर पार हम ना देख सकें, उस ऑब्जेक्ट को हम ओपैक ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अगर वो ओपैक ऑब्जेक्ट इन रेज के रास्ते में रख दिया जाए तो ये रेज उस ओपैक ऑब्जेक्ट का शैडो बनाती है। यानी अगर यहाँ पे हम एक ओपैक ऑब्जेक्ट रख दें इनके रास्ते में तो उस ओपैक ऑब्जेक्ट का हमें शैडो नजर आएगा ऑन एनोड, एनोड प्लेट के ऊपर उस ओपैक ऑब्जेक्ट का हमें शैडो नजर आएगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी ये है, दीज रेज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ये जो रेज है पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रही थी, पॉजिटिव प्लेट एनोड है, पॉजिटिव प्लेट है क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव प्लेट कहेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होंगे। और ये रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रही थी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ आने की मीनिंग है कि इन रेज के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। इन कैथोड रेज के ऊपर बेसिकली नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कैथोड रेज है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रही थी, इट्स मीन कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फोर्थ प्रॉपर्टी है रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, यानी ये जो रेज है कैथोड रेज, ये कैथोड रेज जिस बॉडी को जाके हिट करेगी, अपनी एनर्जी उस बॉडी को ट्रांसफर करेगी और उस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी है जेजे थॉम्सन, एक साइंटिस्ट थे जेजे थॉम्सन, उन्होंने इन रेज का यानी कैथोड रेज की ई और एम रेशियो कैलकुलेट की, रेशियो यानी ई और एम कहते हैं चार्ज टू मास रेशियो। जेजे थॉम्सन ने इन कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट की, इन्होंने भी एक कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में उन्होंने ई और एम वैल्यू कैलकुलेट की थी, और वो ई और एम वैल्यू जो उन्होंने कैलकुलेट की थी वो कितनी थी, वो थी 1.7588 कूलम पर किलोग्राम, ये वैल्यू थी ई और एम। यहाँ पे जो ई है, ई जो है वो चार्ज है, ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6022 मल्टीप्लाय 10 रेस पावर माइनस 19 कूलम। और यहाँ पे जो एम है, एम मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1095 मल्टीप्लाय 10 रेस पावर माइनस 31 केजी किलोग्राम, ये मास होता है। ई और एम वैल्यू तो जेजे थॉम्सन ने कैलकुलेट की थी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज एंड मास, ये एक साइंटिस्ट थे मिलिकैन ने जो है वो ये कैलकुलेट किया था, चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मिलिकैन ने कैलकुलेट किया था। उसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी है लाइट प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ ट्यूब, यानी ये रेज जब ट्यूब की वॉल्स के साथ हिट करेगी तो लाइट प्रोड्यूस करेगी। और सेवंथ प्रॉपर्टी है सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वॉज यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि ये जो रेज होती है इनकी जो नेचर है, इनकी नेचर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट यानी इनकी नेचर डिपेंड नहीं करती। हम कोई सी भी गैस यूज कर लें, हम चाहे हाइड्रोजन गैस यूज करें इसमें, हीलियम गैस यूज करें या नियोन गैस यूज करें, हम कोई सी भी गैस इसमें यूज कर लें, सेम टाइप ऑफ रेज प्रोड्यूस होंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ रेज प्रोड्यूस नहीं होंगी बल्कि सेम टाइप ऑफ रेज प्रोड्यूस होंगी। यानी कि इनकी जो नेचर है, नेचर ऑफ दीज रेज इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस एंड कैथोड। इसके अलावा हम किसी भी मेटल का कैथोड यूज कर लें, चाहे हम जिंक मेटल का कैथोड यूज करें, एल्यूमिनियम मेटल का कैथोड यूज करें, कॉपर मेटल का कैथोड यूज करें, किसी भी मेटल का हम कैथोड यूज कर लें, सेम टाइप ऑफ रेज यहां से एमिट होंगी। यानी कि इन रेज की जो नेचर है वो ना तो गैस की नेचर पर डिपेंड करती है, ना कैथोड की नेचर पर डिपेंड करती है। यानी इसके मीनिंग है कि ये जो रेज, यानी जितने भी मटेरियल्स हैं उन सब में ये रेज होती है, यानी सेम टाइप ऑफ रेज होती है जितने भी मटेरियल्स होते हैं, क्योंकि मटेरियल को चेंज करने से जो रेज की जो नेचर है वो चेंज नहीं हो रही थी। इसके मीनिंग है कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं सब में, सब के अंदर सेम टाइप ऑफ रेज होती है, उन रेज को हम
कैथोड रेज कहते हैं। और उसके बाद जो इसका सेकंड सेकंड प्रॉपर्टी थी कांस्टेंट शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी ये जो रेज है ये ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो बना रही है। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें पता लग रहा है कि ये जो रेज है ये जस्ट रेज नहीं है। अब किसी भी चीज का शैडो कब बनेगा, जैसे मेरा शैडो कब बनेगा, जब मेरे साथ कोई फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स हिट करेंगे तब मेरा शैडो बनेगा। बेसिकली जब सनलाइट में मैं अगर मैं सनलाइट में खड़ा हूं तो मेरा शैडो बनता है, क्योंकि सनलाइट जब हिट करती, सनलाइट क्या है बेसिकली, सनलाइट फोटॉन्स है, फोटॉन्स क्या होते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, यानी वो फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, वो जब हिट करते हैं तो शैडो बनता है, जब हिट नहीं करेंगे तो शैडो नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो बन रहा था, इसके मीनिंग है कि ये सिर्फ रेज नहीं है बल्कि ये फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स हैं, कैथोड रेज, जो कि हम कैथोड रेज कह रहे थे, वो जस्ट कैथोड रेज नहीं है बल्कि वो फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स हैं। और हम जानते हैं कि जितने भी मटेरियल्स हैं वो एटम से मेड अप होते हैं, और एटम से मेड अप होते हैं, एटम्स के अंदर इट्स मीन कि एटम्स के अंदर वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको हमने कैथोड रेज कहा था, कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी जितने भी एटम्स होते हैं उन सब के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को फिर इलेक्ट्रॉन्स का नेम दिया गया, दे वर गिविंग द नेम इलेक्ट्रॉन्स बाय स्टोनी, स्टोनी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उन रेज को इलेक्ट्रॉन का नेम दिया था जो कि नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेज थी, उनको स्टोनी ने फिर बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नेम दिया था, यूं जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। विलियम क्रूक ने कैथोड रेज डिस्कवर की थी और उन कैथोड रेज को एक्चुअली फिर इलेक्ट्रॉन का नेम दिया किसने, स्टोनी ने।